हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आज हम जा रहे हैं एक शॉर्ट राइड पे एंड दिस इज़ द फर्स्ट राइड ऑन माय KTM 390 एडवेंचर। अभी बजे है सुबह के 5:30 तक निकलना था बट आधा घंटा लेट हो गए। कोई बात नहीं, 3-3.5 घंटे का रास्ता है। हम जा रहे हैं पेन, एक सीक्रेट लोकेशन पे विद द FRC फैमिली। दिस इज़ द FRC ऑफिशियल राइड टुडे। मैं ज़्यादा जोर से बात नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, आज संडे है। तो चलो निकलते हैं अभी हाईवे पे और आपको मिलते हैं कुछ सेकेंड्स में। तो अभी निकले, लेट्स सी कितने देर में पहुंचेंगे। वो लोग तो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे जो गैंग मेंबर है मुंबई से आ रहे हैं, पुणे से मैं अकेला ही हूँ यार। गाइस मतलब मैं बुलेट पे कर सकता था ये राइड बट मुझे कम टाइम में ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने हैं और KTM ली इसलिए फॉर द राइड कि एडवेंचर और इसका जो ट्रैवल है सस्पेंशन का, लाइक चालू करते हैं का जो ट्रैवल है सस्पेंशन का वो आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा। खड्डे बिट्टे स्पीड ब्रेकर्स छोटे मोटे सब कवर अप कर लेगा। थोड़ा पीछे लोड है तो मैं ज़्यादा भगाने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर हाईवे पे चांस मिला तो ही मैं भगाऊंगा, नहीं तो नहीं। सिटी में तो आराम से निकलेंगे। कैसे ना गाइस, ज़िंदगी से खेलना नहीं बिल्कुल भी। जब आप रेनी सीजन में राइड कर रहे हो ना तो आपको लिटिल कॉशन रहना है अपने स्पीड पे। या आपकी बाइक कितनी भी बड़ी हो, BMW हो, ट्रायम्फ हो या फिर कावासाकी हो, थोड़ा स्पीड लिमिट कंट्रोल में रखो क्योंकि बारिश के सीज़न में गड्ढे कहाँ हो गए, कौन से रोड पर हो गए आपको समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपके बाइक में मैकव्हील हो, जैसे हमारे बाइक में है मैकव्हील मतलब अलॉय व्हील्स, तो अगर अलॉय व्हील्स है तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। स्पोक व्हील है तो वो शायद बम झेल लेंगे। तो गाइस बी कॉशन व्हाइल राइडिंग ऑन रोड्स। बाकी बस मज़े करो, ज़िंदगी के मज़े उठाओ। काफ़ी बारिश हो रही है तो मैंने कैमरा रख दिया है साइड में, GoPro में लगाया नहीं हूँ। और अभी जस्ट पहुँचे हम ब्यूटीफुल लोकेशन लोनावला, जस्ट हैव अ लुक। Guys, we just reach to Pen, almost Pen. अभी जाके मुझे कैमरा माउंट करने का टाइम मिला कि लोनावला खंडाला फुल ऑन बारिश थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देखो अभी भी धीरे धीरे बारिश के आसार लग रहे, बट अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा क्या। और अगर मैंने टेपिंग किया होता मेरे कैमरे को तो शायद फिर मुझे कैमरा भी निकालना नहीं पड़ा होता। बट लोनावला में क्या बारिश थी भाई साहब, पूरा अंदर तक पानी गया, आप समझ रहे हो ना, अंदर तक पानी गया। हम पेन सिटी पहुंच गए, सिटी उसके आगे है मार्केट बस स्टॉप और बस स्टॉप के 2 किलोमीटर आगे है हाईवे। हेलो, हाँ पेन सिटी मध्ये, हाँ ये भाई साहब भुर्ज पाव खाने रुके दोस्त लोग। तो जस्ट मयूर से बात हुई, रेसिंग के लोकेशन पे आ जा, बस उधर ही मिलते हैं। तो जस्ट 5 मिनट में हम हमारे गैंग लीडर्स को मिलने वाले हैं, हमारे राइडिंग गैंग। सो एक्साइटेड, इस एक्साइटमेंट का लेवल ही नहीं गाइस, जब से प्लान बना है।
और कल रात को तो नींद तो कुछ खास आई नहीं, क्योंकि राइड का जुनून, इन लोगों को मिलने का जुनून अलग लेवल है भाई, अलग लेवल। 4 मिनट्स 3 मिनट्स 2 मिनट्स 1 मिनट अंडरपास जाना है यहाँ से राइट। वाह, we almost reached भाई साहब हेलमेट इधर है, जल्दी मार भाई साहब। शूज बहुत बड़ा हो गया रे, शूज चेकिंग बोल रहे भाई, पबजी प्रो प्लेयर बन गया आया रे, विदेश का मिल गया साथी भाई, केटीएम क्या बोलते क्या बोलते चारू तेजस भाई। अरे क्या आदित्य भाई, संगड़ तोड़ ये भी कोई ब्रांड है LS2 अब बड़ा है तो बेहतर है। A few moments later. So guys, we just done with the breakfast now. मस्त अंडा भुर्जी खाया सब लोगों ने, मैंने सिर्फ अंडा खाया क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल से श्रावण शुरू हो रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे लोकेशन पे, सीक्रेट लोकेशन, सीक्रेट वाटरफॉल। एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ राइडर केम फ्रॉम मुंबई। तो अभी तक मेरी जर्नी यहाँ तक सिंगल थी, 3 घंटा मैंने चलाया, और अभी ये सिंगल राइड से अभी हो गया ये ग्रुप राइड। ये अपना दोस्त मयूर, कैमरा नहीं है देखो, बट फिर भी ब्लॉगिंग चालू है, मोबाइल से ब्लॉग कर रहा है, इसको बोलते हैं पैशन। हमारे तेजस भाई RC 390 पे, बुलेट मैन। Like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't. मज़े ही मज़े। काफ़ी नैरो रोड है और हम जो सीक्रेट वाटरफॉल पे जा रहे हैं वो इसी रोड पे आगे मिलेगा, और ये लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लोगों को आना है। अगर आप मुंबई या पुणे से हो देन यू कैन कम डाउन टू दिस लोकेशन। माचेस वगैरह, पावना लेक, ये सब पैक्ड है, रोड ख़राब है, और आई बिलीव सेक्शन 144 भी लागू हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेक्शन, बट नाउ दोस काइंड ऑफ लोकेशन इज बिन रिस्ट्रिक्टेड बाय द पुलिस एंड द कलेक्टर। तो वो लोकेशन में जाने से बेटर है ये लोकेशन पे आओ, इधर कोई पाबंदी नहीं और इधर कोई नहीं आता। It's gotta be all or nothing, all or nothing.
ऐसे पीछे हमने बाइक्स लगा दी क्योंकि पूरा ऑफ रोडिंग है और बाइक्स नीचे नहीं लेके जा सकते। रोड देखो खतरनाक है। तो हम 10 मिनट का वॉक कर रहे पूरा और पूरा गैंग है देखो इधर। सेम नेम चारुदत्त कोलमकर एंड पवार वंस अगेन आर गणेश। पूरा गटारी का सामान लेते जाते हुए नीचे। और ये पीछे और एक वॉकर है चल रहा है पीछे। गटारी की तैयारी चले बकरा निकाल बात। ओ भाई साहब इधर मैं बैठ सकता हूं। बागी मेरी पलटे भाई पानी से। हेलो लोकेशन मैन ऑसम। इतना मेहनत करके यहाँ पे आए बट ये लोकेशन आप मिस नहीं कर सकते। जबरदस्त लोकेशन है। साढ़े तीन चार घंटा लग गया इधर आके बट लुक एट द ब्यूटीफुल लोकेशन। हेलो गाइस, ये है काजपर का लोकेशन। काजपर वाटरफॉल से कहते हैं। हाँ तो ये वाटर प्रूफ मोबाइल है, ये वाटर प्रूफ मोबाइल है, ये भीगेगा नहीं। अरे बोलने देना यार। तो गाइस ये है एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। यहाँ से पानी आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील और बहुत ही शांत पानी है जहाँ पर हम लोग नहा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हाँ मैं धोने वाला बोला था पर वो धो नहीं सकते। हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चारुदत्त पवार इसका यूट्यूब पे चैनल है राइड माय लाइफ। इसको जाइए सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और भाई के चैनल को और आगे बढ़ाओ। बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत बड़ा ब्रेक मिला है और ये ब्रेक का मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गाइस एंजॉय। ये